हेलो गाइस, आई एम बंडी सिंह। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऑनलाइन पेमेंट फीस कैसे करना है, जो कि आपको कॉलेज से नोटिस आया है आज। तो सबसे पहले आपको लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद क्रोम में आएगा ऑप्शन, क्रोम में क्लिक कीजिएगा। क्रोम में आने के बाद इस तरह आपके सामने कुछ खुलेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आईडी और पासवर्ड। तो आईडी और पासवर्ड किस तरह पता करना है, सबसे पहले देख लें, यहाँ लिखा होगा क्लिक टू फाइंड योर स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पर लिखा होगा ऑल कोर्स, तो आपका जो कोर्स है कोर्स पर क्लिक कीजिएगा। जैसे कि मेरा बीकॉम जनरल है तो बीकॉम जनरल में क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जो भी नाम हो, जैसे कि मान के चलिए मेरा नाम है संदीप कुमार यादव, देख सकते हैं मैंने अपना नाम दे दिया है। नाम देने के बाद यहाँ पर शो का ऑप्शन है, शो पर क्लिक कीजिएगा। शो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह खुल जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा आपका नाम, आपका पापा का नाम, कॉलेज रोल नंबर। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ कोना में दिख रहा है स्टूडेंट आईडी, तो आपका यही स्टूडेंट आईडी है, इसको कॉपी करना है यहीं से। और यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करना है, लॉगिन में आपको ये दे देना। और पासवर्ड आपका सेम यही होगा, जो स्टूडेंट आईडी है वही आपका पासवर्ड है, इनका ऑप्शन है। तो लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह खुलेगा। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा पे फीस ऑनलाइन, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपके यहाँ देख सकते हो वन लिखा हुआ है। यहाँ आप सेमेस्टर किस, आप कौन से सेमेस्टर का फीस दे रहे, तो सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू। तो मैं अभी सेमेस्टर टू का दूंगा, तो सेमेस्टर टू क्लिक करूँगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा। देख सकते हैं फिलहाल मैं जनरल में, बोल के मुझे 540 रुपया मांग रहा है, और अगर आप ऑनर्स में तो 765 रुपया लगेगा। और बीए का अलग है और बीएससी का भी अलग है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका टिक टू कंफर्म बिफोर पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पे का ऑप्शन है, पे पर क्लिक कीजिएगा। पे पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन पे से पेमेंट करके दिखा देता हूँ। फ़ोन पे पर क्लिक करना है, उसके बाद पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ लोडिंग लेगा। उसके बाद आपका जो है फ़ोन नंबर खुल जाएगा। अगर जो आप फ़ोन पे चलाते हैं वही नंबर यहाँ पर दे दीजिएगा। जैसे मैं 8479881025, ये मेरा फ़ोन पे नंबर है, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करते ही यहाँ एक ओटीपी आएगा, जस्ट कुछ सेकंड के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी को कॉपी करना है, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपका लॉगिन कर देना है। पे पर क्लिक कीजिए, आपका फ़ोन पे में एक ऑप्शन आ जाएगा पे का ऑप्शन। पे में जाने के बाद पे करना है। उसके आपको फ़ोन पे पर एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद आपको आपका पेमेंट कर देना है। वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरह अब बहुत स्टूडेंट पूछेंगे कि मैं तो फ़ोन पे यूज़ नहीं करता, पीआई आईडी यूज़ नहीं करता, तो आप अपने पास के साइबर कैब में से भी करवा सकते हैं। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। और लिंक नहीं मिलता तो मैं कमेंट में बायो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप यहां आ सकते हैं।